ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲ ਅਗੇ ਲੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਓ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਓ ਗੋਸ਼ ਕੋਣੀ ਜੀ ਬੇ ਮਟ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਓਏ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤਬਾਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਓ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦੇ ਜੇ ਪੈ ਕੋਈ ਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸਭ ਹੈਰੀ ਸੇ ਹੋਂਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਂਗੇ वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा और वीडियो भी आपने देख ली होगी कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। इस सब ये सारी वीडियो देखने के बाद आपको हर एक को इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा और हर एक ने ये चीज़ सोची होगी इनके साथ क्या हो रहा होगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लोग इल्लीगली आने की कोशिश कर रहे थे तुर्की से यूनान के लिए, रास्ते में इनको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, ठीक है। अब वो ये नहीं पता कि वो कौन लोग थे, लेकिन अक्सरियत में वो लोग कौन थे वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। अगवा कर लिया, इन लोगों ने जो पैसे दिए हुए थे आने के लिए इल्लीगल तरीके के साथ आने के लिए, उसके अलावा भी अब इन लोगों से डिमांड की जा रही है कि इतने पैसे घर से मंगवाओ नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे। और इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इनके ऊपर हर तरह से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और ये बेचारे इनसे एक वीडियो पैगाम के थ्रू इनके घर वीडियो भी भेजी जा रही है कि अपने घर वालों को कहो कि पैसे भेजे नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़यात सुनने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात देखने को नज़र आते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। और इन सब को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको अपने बच्चों को ऐसे रास्तों पर छोड़ना चाहिए कि जिन रास्तों पर सिर्फ़ और सिर्फ मौत का रास्ता, जिन रास्तों पे मौत नज़र आती है और ये इस तरह के वाक़यात आपको देखने को नज़र आ रहे हैं। कोई भी माँ या कोई भी बाप या कोई भी बहन या कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा कि हमारे अपनों के साथ ऐसा कुछ हो। खुदारा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसे कामों से अपने बच्चों को भी और अपने अजीज़ वकारों को भी दूर रखें और उनको ये चीज़ पैगाम दें, उनको ये मैसेज दें कि काइंडली ऐसा कोई भी रिस्क ना ले जिससे आपकी जान जा सकती है। खुदारा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके साथ किसी तरह भी कुछ बुरा हो सकता है। इससे यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, शायद किसी को बुरी भी लगे कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है। मैं आपको ये चीज़ वाज़ेह बातों में बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का दुश्मन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अपने लोग हैं, कोई भी बाहर से उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। दुनिया की कोई ताकत भी पाकिस्तान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती अगर के पाकिस्तानी खुद ही ना चाहते हों तो। हमारे अपने ही हमारे गद्दार भी हैं, हमारे अपने ही हमारे मुनाफिक भी हैं, हमारे अपने ही हमारे दुश्मन भी हैं। हमें अपनों से ही ख़तरा है, किसी बाहर से ख़तरा नहीं है। तो करना क्या है, करना वही है कि जिस किसी ने भी अर्थरू देखा है, सबसे पहले गद्दारों के सर उतारने हैं, उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाना है, उन लोगों को वो सज़ाएं दिलवानी है, फिर ही इस मुल्क में कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। अल्लाह पाक की ज़ात हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे अहल वयाल को सब्र जमील अता फरमाए और इन भाइयों के लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी जल्द से जल्द रिहाई करे और इनके घर वालों को भी सब्र जमील अता फरमाए। और जो जिन लोगों ने भी इन लोगों को अगवा किया है अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।